नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान, आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के इस टॉप 5 में बात करेंगे कोरोना संक्रमण जो तेजी के साथ अपनी पीक पर पहुंच रहा है, लेकिन वो पीक कब आएगी इसका कुछ पता नहीं है। उत्तराखंड में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए, यहां तक कि अब स्थिति ये हो गई कि एक दिन में 10,000 के करीब एक्टिव केस की संख्या सामने आ रही है। पूरा कोरोना अपडेट आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्या कोरोना कर्फ्यू काम कर रहा है या फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि देहरादून की स्थिति कुछ और ही बताती है। इस खबर पर भी बात करेंगे। कोरोना काल में जो कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, ऑक्सीमीटर की हो, दवाइयों की हो, उसको लेकर पुलिस सख्त है। रासुका लगाने की तैयारी अब पुलिस की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस की एक और मुहिम मिशन हौसला, क्या इसमें होगा, किस तरह से पुलिस सहायता करेगी, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। और सभी विश्वविद्यालय कॉलेज छुट्टी घोषित कर दी गई है, गर्मियों की कब तक छुट्टी रहेगी उस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जारी है कोरोना की सुनामी। एक दिन में सबसे ज्यादा 9,500 मामले आए सामने, 137 लोगों ने तोड़ा दम, बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। फ्लॉप साबित हो रहा है कोरोना कर्फ्यू, देहरादून का बुरा हाल, टॉप 15 संक्रमित जिलों में शामिल हुआ देहरादून, एक दिन में 4,000 के करीब नए मामले। कोरोना काल में कालाबाजारी पर पुलिस सख्त, डीजीपी बोले ऑक्सीजन दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगी रासुका, सभी जिलों में 168 टीमें कर रही हैं निगरानी। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया मिशन हौसला, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दवाई और बेड उपलब्ध करवाएगी उत्तराखंड पुलिस, सभी जिलों के नंबर किए गए जारी। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 12 जून तक गर्मियों की छुट्टी, कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उठाया गया कदम। तो चलिए अब बात सबसे पहले कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं। एक तरफ जहां कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह आंकड़ा अब धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में ये लगातार अपनी पीक पर चलता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ 9,642 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 137 लोगों की प्रदेश में कोरोना के चलते मौत हो गई है। ये 9,500 यानी कि जो 10,000 के करीब जो आंकड़ा पहुंच रहा है, ये प्रदेश में पहली बार हुआ है। प्रदेश में एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा मामले ये हैं और इसी दिन जो सैंपल पॉजिटिविटी रेट है वो भी पहुंच करके 5.76 पहुंच गया है और 24 घंटों में 137 मौतें उत्तराखंड में हुई हैं। इसी के साथ ही अब 67,691 एक्टिव केस पूरे उत्तराखंड में हो चुके हैं। बात अगर करें कुल मरने वालों की तो 3,430 मौतें उत्तराखंड में कोरोना वायरस के चलते हो गई हैं। ये अपडेट पिछले 24 घंटे का है। जिले वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें देहरादून की तो सबसे ज्यादा बुरे हाल देहरादून के हैं। देहरादून में पिछले 24 घंटों में 4,000 के करीब कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, 3,979 केस जो कि सबसे ज्यादा है। देहरादून में स्थिति बेकाबू होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नैनीताल में भी 1,342 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं और उधम सिंह नगर में 1,286 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। सिर्फ रुद्रप्रयाग एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां पर 24 घंटों में 100 से कम मामले आए हैं। यहां पर 24 घंटों में 94 नए मामले दर्ज किए गए। बाकी सभी जिलों में स्थिति 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा और 1,000 से ज्यादा नजर आती है। ये अपडेट पिछले 24 घंटे का है। इसमें बाकी जिलों की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में फिर से 531 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं, टिहरी में 325 सामने आए हैं, पिथौरागढ़ में 111, पौड़ी में 196, हरिद्वार में 768, चंपावत 214, चमोली 314, 117 बागेश्वर और अल्मोड़ा में 365 कोविड के नए केस सामने आए हैं। ये स्थिति है पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड की, किस तरह से एक बार फिर से बंपर केस सामने आए हैं। और इसी के साथ ही जो अब कंटेनमेंट जोन प्रदेश में माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या 362 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में जो मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं देहरादून में, यानी कि कुल मिलाकर के 137 जो मौतें हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा मौतें देहरादून में हुई हैं। 80 से भी ज़्यादा मौतें पिछले 24 घंटे में देहरादून में हुई हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पूरे प्रदेश में 4,643 है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कोरोना वायरस के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि पीक आएगी, लेकिन कब तक आएगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि लगातार हर दिन एक नई पीक सामने आ जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देहरादून की। कोरोना वायरस के मामले प्रदेश में तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रदेश में भी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट
देहरादून बना हुआ है। देहरादून अब 15 उन टॉप 15 जिलों में शामिल हो चुका है जहां पर संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है और उत्तराखंड 20 राज्यों के अंदर आ चुका है जहां पर संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। आपको हम बता दें कि कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, कोरोना कर्फ्यू कई जिलों में लागू किया गया है, लेकिन जब से कोरोना कर्फ्यू लगा है तब से मामले कम होने के बजाय और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि इस चीज से एक बात तो साफ होती है कि कोरोना कर्फ्यू कारगर साबित नहीं हो रहा है। किसी भी कीमत पर कोरोना कर्फ्यू के चलते मामलों में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, किसी भी कीमत पर कोरोना कर्फ्यू के चलते जो मौतों का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि और सख्त प्रतिबंधों की आवश्यकता नजर आती है और ये सख्त प्रतिबंधों की मांग कई लोगों के द्वारा भी की जा रही है। आपको हम बता दें कि स्थिति अब ये हो चुकी है, देहरादून जिला 15 सर्वाधिक संक्रमण दर वाले जिलों में शामिल हो चुका है और उत्तराखंड 20 राज्यों में शामिल हो चुका है, टॉप 20 जहां पर संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। नए मामले हर दिन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 10,000 के करीब मामले सामने आए और देहरादून में 4,000 के करीब मामले सामने आए। उत्तराखंड में पिछले दो हफ्तों में नए मामले तेजी के साथ बढ़े हैं और ध्यान रखें ये वो दो हफ्ते हैं जिन दो हफ्तों में कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में देखने को मिला था। शुक्रवार को 9,642 मामले, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, सामने आए। इनमें अलग अलग जिलों के अनुसार जो मामले हैं वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से सामने आए। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देहरादून में हालत बेकाबू है, हॉटस्पॉट देहरादून बनता जा रहा है और तीन दिन के अंदर देहरादून जिले की मैं बात कर रहा हूं, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें इन आंकड़ों को तोड़ करके देखें तो 5 मई को 73 मौतें हुई थी देहरादून में और 2771 मामले सामने आए थे, 6 मई को 106 मौतें हुई थी और 3123 मामले सामने आए थे और 7 मई को 83 मौतें हुई और करीब 4000 संक्रमित सामने आए हैं। एक बात स्पष्ट है, कोरोना कर्फ्यू कारगर साबित नहीं हो रहा है। प्रशासन और सरकारें पूरी तरह से कोविड कंट्रोल में, मैनेजमेंट कंट्रोल में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं, ये आंकड़े बताते हैं और देहरादून की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है। कोरोना के संकट काल में कई तरह से दिक्कतें सामने आ रही हैं, कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत, कई जगहों पर बेड्स की किल्लत, कई जगहों पर आईसीयू की किल्लत, कई जगहों पर दवाओं की किल्लत, कई जगहों पर ऑक्सीमीटर की किल्लत। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए एक तरफ प्रयास किए जा रहे हैं कि इन किल्लतों को दूर किया जाए तो दूसरी तरफ इन तमाम चीज़ों की किल्लत के चलते मौतें भी लोगों की हो रही है और तीसरी तरफ एक एंगल वो भी है जहां पर ये सब आवश्यक चीज़ें इस वक्त काफ़ी महंगे दाम पर मिल रही हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि इनकी कालाबाजारी अपने चरम पर है। अब ऑक्सीजन और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं इनके कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब उत्तराखंड पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई इन पर करेगी। ये बात कही है उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने। तो अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में ये बात मीडिया को कही। उन्होंने कहा है कि पुलिस कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा है कि कालाबाजारी को, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से जो सभी जनपद हैं 13 के 13 जिलों में 168 टीमें लगाई गई हैं और उनमें 10 टीमें एसटीएफ की हैं। ये टीमें कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं और अब तक इन सभी टीमों ने 787 दबिश भी दे दी हैं, जिसके तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हरिद्वार में जिस तरह से हुई इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, नकली रेमडेसिविर मामले में भी गिरफ्तारी की गई और तमाम जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी है उस मामले में भी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। डीजीपी ने तमाम जानकारियां दी हैं क्योंकि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जो कालाबाजारी देखने को मिले, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे वो तमाम जो जीवन रक्षक दवाइयां इस वक्त आवश्यक है उनकी हो या फिर ऑक्सीजन की हो, तो ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि इन चीजों की कालाबाजारी करते हुए अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बंशीधर भगत ने यह भी कहा, जो शहरी विकास मंत्री हैं, कि अगर कोई कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तक निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके, इस संकट काल में जिन लोगों को दिक्कतें हैं उनको और दिक्कतें ना हो, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी भी अपनी तरफ चरम पर है, कालाबाजारी लगातार की जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस कब इस मामले पर कोई ठोस एक्शन लेगी जिससे कि मैसेज जाएगा बाकी सब लोगों में कि अगर आप कालाबाजारी करते हैं तो आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। तो चलिए अब बात उत्तराखंड पुलिस की ही। कोरोना संकट काल में कई तरह से लोगों की सहायता करने का काम किया जा रहा है। इन सब के बीच उत्तराखंड पुलिस ने, चाहे पिछले साल हो जब पहली लहर आई थी या फिर इस साल जब दूसरी लहर है, इन दोनों ही लहरों में उत्तराखंड पुलिस अपने स्तर पर
काम कर रही है अपने स्तर पर, लोगों को सहूलियतें दी जा रही हैं। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देख रहे होंगे, खबरें सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड पुलिस ने जहां पर आवश्यकता थी वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, कहीं पर दवाई पहुंचाई, कहीं पर खाने की चीज़ें पहुंचाई। अब कोविड संकट में जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन ज़रूरतमंद लोगों तक दवाई पहुँचाने का काम, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, उनके लिए बेड की व्यवस्था करने का काम, उनके लिए प्लाज्मा उपलब्ध करवाने का काम, ये तमाम काम उत्तराखंड पुलिस अपने स्तर पर करेगी और इसी अभियान को मिशन हौसला नाम दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए ये बताया कि जो मिशन हौसला की जो पहल है ये नाम एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट ने दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के मरीज जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से अव्यवस्थाएं, जिस तरह से दिक्कतें, जिस तरह से लोगों की लाचारी दिख रही है, उसको देखते हुए पुलिस ने ये अभियान शुरू करने की ठानी है। और इस अभियान के तहत लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, जिन लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी है, कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अब पुलिस इस मिशन हौसला को शुरू कर रही है। मिशन हौसला के तहत फोन नंबर्स पुलिस स्टेशन लेवल पर उत्तराखंड पुलिस ने जारी किए हैं। उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको तमाम नंबर मिल जाएंगे, आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये एक तरीके से कोशिश की गई है। और उत्तराखंड पुलिस का ये भी कहना है कि जो बाकी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का सहयोग भी उत्तराखंड पुलिस को इस मामले में मिल रहा है। लोगों की दिक्कतों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके कम किया जाए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों को ना रहे इसका प्रयास किया जाए। कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाई जाए और जिन लोगों को आवश्यकता है उनको समय रहते उनकी आवश्यकता की चीज़ मिल जाए ताकि किसी की जान बच जाए, ये कोशिश उत्तराखंड पुलिस की है। तो कोरोना महामारी की वजह से इससे पहले भी स्कूल कॉलेज या फिर एग्ज़ाम जो पेपर हैं उनको लेकर कई तरह के स्टेप उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। अब दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी जो सभी सरकारी और निजी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, यहाँ पर शुक्रवार से और 12 जून तक गर्मियों की छुट्टियाँ रहेंगी, यानी कि ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। ये अवकाश उन पर्वतीय जिलों पर भी लागू होगा जहाँ पर ग्रीष्म अवकाश की जगह पर शीतकालीन अवकाश होता है। और सरकार के इस फैसले के बाद जो शिक्षक, जो छात्र चिंता में थे कि संक्रमण जितनी तेजी के साथ फैल रहा है, कॉलेज अगर खुलते हैं तो फिर उन लोगों को दिक्कत होगी, उनकी जान खतरे में होगी, उन लोगों को राहत मिली है। इससे पहले बीती 3 मई के दिन एक शासनादेश जारी किया गया था, राज्य के सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया था, बंद करने को कहा गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने शासन को ये पत्र लिखकर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 5 मई से 12 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित करने का अनुरोध किया था। और शुक्रवार सुबह को शासन ने आनन-फानन में आदेश जारी कर दिया है और 105 जो सरकारी डिग्री कॉलेज हैं इनके लिए ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया है। इसके बाद शासन ने अब आदेश को संशोधित कर सभी जो अनुदानित अशासकीय डिग्री कॉलेज हैं, राज्य के निजी विश्वविद्यालय हैं और संबंध जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर भी ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया है। यानी कि 12 जून तक जो तमाम डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, हायर एजुकेशन सेंटर हैं, उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थान हैं, इन शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मियों की छुट्टियां यहां पर रहेंगी। जब स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर से इनको खोला जा सकता है। ये स्थिति इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस गति के साथ अभी भी अपनी पीक पर पहुँच रहा है, पीक पर पहुंचा नहीं है, उसको देखते हुए इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। जिस तरह से संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल रहा है, जिस तरह से संक्रमण देहरादून में अपना कहर मचा रहा है, इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जो कोरोना कर्फ्यू, जो सख्ताई, जो प्रतिबंध हैं वो काफ़ी हैं या फिर और होने चाहिए, या फिर लॉकडाउन जिस तरह से मांग की जा रही कई लोगों के द्वारा कि संपूर्ण लॉकडाउन हो, इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिए संवाद 365 को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।